पॉलिटिक्स में ज्यादातर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, भारी भरकम बातें, पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, आरबीआई रिजर्व्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, फलाना डिमका। इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होती है कि 5 साल पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिली या नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी होने के बाद आपके जीडीपी यानी आपके पर कैपिटा इनकम उसके क्या हाल है, या फिर रिजर्व बैंक को छोड़ो आपके रिजर्व माने आपके बैंक बैलेंस में कितने पैसे बाकी रहे। वैसे ही जियोपॉलिटिक्स में ही आजकल हमें यूक्रेन वर्सेस रशिया, चाइना वर्सेस यूएसए और ट्रूडो वर्सेस इंडिया वर्सेस मोदी के बारे में ज्यादा मालूम है, लेकिन शायद हम इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि हमारे देश के ही स्टूडेंट्स उसी यूक्रेन, उसी रशिया, उसी अमेरिका, उसी कनाडा या यहां तक चाइना के तरफ भी पलायन कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उन्हें तो हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, उसमें तो हम विश्वगुरु बन चुके हैं, लेकिन अब अमृत काल में रिकॉर्ड तोड़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्विट इंडिया कर रहे हैं। आंकड़े देख लीजिए, दहला देने वाली आंकड़े हैं। 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जा चुके हैं सिर्फ 2022 में। वापस आने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर स्टेटिस्टिकली प्रूव हो चुका है इंडियन स्टूडेंट्स आर लीस्ट लाइकली टू कम बैक, वो बाहर ही रहना चाहते हैं, एंटी नेशनल कहीं के। 2021-2022 के बीच में इंडियन स्टूडेंट वीजा सॉ एन इंक्रीज ऑफ 43%, मैंने टोटल 1 लाख से भी ज्यादा अप्रूवल मिल चुकी है वीजा का, और जो नंबर टू देश है मैंने चाइना जो स्टूडेंट्स बाहर भेजता है उसके हम दुगने हैं। तो ये वाला मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द होल वर्ल्ड बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और इसमें स्टूडेंट्स या पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, मैं उन्हें एकदम दोष नहीं दूंगा। ग्लोबल आईटी कंपनीज 2023 में मई तक के महीने में 2 लाख इंप्लॉइज की छटाई कर चुके हैं, और बहुत सारे आईटी कंपनीज आज के डेट में भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज 25-30 हजार की सैलरी में इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। 42.3% इंडियन ग्रेजुएट्स हैं जो 25 साल की उम्र से कम है, उन्हें नौकरी तक नहीं मिलती है। इतना ज्यादा विकास हो चुका है कि शायद आजकल नौकरी ढूंढने की जरूरत ही क्या है। और ये जो बेरोजगारी का मंजर है, इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ना सरकार के पास है ना विपक्ष के पास है, वो भी ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में। तो प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करो, प्रॉब्लम ही खत्म। देखिए ना, प्रधानमंत्री ने आज एक रोजगार मेला को संबोधित किया, लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन रोजगार की समस्या को छोड़कर उन्होंने हर टॉपिक पर ज्ञान दिया। ऑनलाइन लर्निंग, टेक प्रोग्रेस, गैजेट्स, G20 में हमारा सक्सेस, इंडिया बिकमिंग विश्वगुरु, विमेन्स रिजर्वेशन बिल कैसे पास हुआ, चंद्रयान 3, अमृतकाल कैसे आ रहा है, कैसे लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, नए संसद के बारे में बात किया, लेकिन रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार ने खुद पार्लियामेंट में इस बात को माना है कि सिर्फ पिछले साल पैंडेमिक के बाद करीबन 70% ज्यादा स्टूडेंट देश के बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, माने 4.5 लाख इन 2021 एंड 7.5 लाख स्टूडेंट्स इन 2022। लेकिन ये 70 साल के बाद ये 70% ये जो इंक्रीमेंट हुआ है एक साल में, ये क्यों हुआ है, जानते हैं इसके बारे में आज के देशभक्त एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आपने जो भी कॉलेज से डिग्री हासिल की हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट या देश का दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई महंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपकी हालत करीबन सेम ही रहेगी। डिग्री से ना आपको कोई ज्ञान मिला और ना आपको ऐसा कोई स्किल सिखाया गया जिससे आप इंप्लॉयबल बन जाओगे आज के नॉलेज इकोनॉमी में। कुछ गलती से सीख भी लिया तो फील्ड में जॉब ही नहीं है, तो पैसे भी नहीं है, मिल भी गया तो इतने सारे लेऑफ्स हो रहे हैं, भयंकर प्रेशर हो रहा है, टॉक्सिक वर्क एटमॉस्फेयर हो रहा है। स्टार्टअप्स का भी एक नया दौर आया था, लेकिन वहां भी अब दिया बुझ ही रहा है। इन सबसे त्रस्त होकर आपने भी सोचा होगा कि अरे यार, लोन लेकर ही सही बाहर चलते हैं, मास्टर्स कुछ कर लेते हैं, सीधा वर्क वीजा भी मिल जाएगा, अरे ये सब छोड़ो, अरे डंकी बनकर ही चलते हैं बाहर जाकर, रोज की दिहाड़ी कर लेंगे, कम से कम ये जो जिल्लत वाली जिंदगी है उससे तो बच ही जाएंगे। इसी हफ्ते ये क्लिप वायरल हुआ इंटरनेट पर, ढेर सारे भारतीय युवा अमेरिका में देखो कैसे इल्लीगली दाखिल हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू। यूएसए में तो एंट्री ऑलरेडी टफ है, लोग बॉर्डर क्रॉस करते करते मर भी रहे हैं, मगर अब तो ट्रूडो भैया ने भी हमसे दुश्मनी मोड़ ली है, झगड़ा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रेसिज्म है, और तो और अब तो सुनक भाई भी दगाबाज निकले हैं, हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स पर ही आप रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे, उनको काम करने से आप रोक रहे हो।
घर में जगह नहीं, बाहर एंट्री नहीं। बहुत जल्द देश के युवा कहने वाले हैं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आज के एपिसोड के चार मेन पॉइंट्स, जिसमें मैं सोल्यूशन भी दूंगा, लेकिन वो चार मेन पॉइंट्स जानने से पहले ये तो समझ लीजिए कि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और टाइट रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जॉब हंटिंग, आपके जॉब हंटिंग और वीजा एप्लीकेशन के बीच में ना आपको ज्यादा फ्री टाइम नहीं है चपर चपर सुनने के लिए। लेकिन अगर आपने देश से बाहर जाने का मन बना लिया है या फिर अपने आप को अपस्किल करने का मन आपका है तो कैम्बली के बारे में आप जरूर जान लो। कैम्बली हमारे आज के एपिसोड के पार्टनर्स हैं और इनका इंग्लिश सिखाने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, काफी नायाब है। क्लास में बैठ के ब्लैकबोर्ड को ताड़ के अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग और फ्लुएंसी के लिए जरूरत है प्रैक्टिस, और अगर आपके पास इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाला आपके इर्द गिर्द आसपास कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैम्बली आपके लिए हाजिर है। कैम्बली के थ्रू आप प्राइवेट ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 20,000 से ज्यादा ऐसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूके, यूएस और कनाडा जैसे कंट्री से। क्लासेस जो कि इंटरैक्टिव है, लाइव है, और आपको बड़ी नॉन जजमेंटल तरीके से अंग्रेजी सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपने एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाना चाहते हो या फिर बाहर जाना चाहते हो या फिर अपने आप को एक और लैंग्वेज, खासकर इंग्लिश जैसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में माहिर करना चाहते हो, एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक काफी वैल्यूएबल टूल है। अब कैम्बली को आप इंटरेस्टिंगली सिर्फ 44 रुपीज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद अ 15-मिनट सैंपल क्लास विद अ टीचर ऑफ योर चॉइस। आप टीचर चूज करिए, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो इसके बाद आप वन ऑन वन क्लास चूज कर सकते हो या फिर ग्रुप क्लासेस के लिए भी साइन अप कर सकते हो, वो भी स्टूडेंट्स जो कि दुनिया भर से अलग अलग देश से होंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी बढ़ेगा। ग्लोबल एक्सपोजर से आ जाते हैं लोकल एक्सपोजर, और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम है उसकी सिस्टमैटिक फेलियर के बारे में। भले ही डिग्री के बाद आपको जॉब मिले या ना मिले, एक डिग्री होना भी, याद रखिए, काफी बड़ी चीज होती है हमारे देश में, क्योंकि हायर एजुकेशन की जहां तक अगर हम बात करें, ना ये चीज अफोर्डेबल है सबके लिए, ना ये चीज सबके लिए एक्सेसिबल है। अगर है तो आप प्रिविलेज्ड हो। इनरोलमेंट रेट अगर आप हमारे देश की देखें तो काफी खराब है। एडमिशन हो भी जाए जेवर बेच के घर के, तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने फी भर दिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ड्रॉप आउट रेट्स इंडिया में काफी ज्यादा है, स्पेशली उन ग्रुप्स के लिए जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके लिए अवसर ऐसे में भी बहुत ही कम है। चलिए कोई नहीं, किस्मत ने आपको बचा लिया है, यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच गए हैं, डिग्री भी हो गया, फिर क्या। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात कर लें, हैं डिग्री कॉलेजेस के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर आते हैं नंबर्स में, हैं ब्रॉन्ज मेडल में हमारी फिनिश होती है, मगर टॉप की एक दो तीन चार को छोड़कर अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो क्वालिटी एकदम ही बेकार है। एक्रेडिटेशन और क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, 65% यूनिवर्सिटीज और 86% कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन हुआ ही नहीं है। मतलब यूजीसी कह तो रही है कि भैया चलिए आप अपनी यूनिवर्सिटी चला लो, मगर इसकी क्वालिटी चेक नहीं करेंगे। ऐसी सारी, बहुत सारी आपको फर्जी कॉलेजेस और फर्जी डिग्रीज भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो आपने शायद किसी बढ़िया सरकारी कॉलेज में आपको डिग्री मिल जाती है, बहुत लकी हो, बहुत हार्डवर्किंग हो, 10 लाख लोगों ने जेईई दिया और आप उन 10,000 में से हो जिनका आईआईटी में नंबर आ गया, डीयू जेएनयू का कट ऑफ आपने निकाल लिया, मगर वहां भी कोई ढंग की फंडिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जीडीपी का सिर्फ 0.7% जाता है आरएनडी स्पेंडिंग में, ग्लोबल एवरेज है 1.8% ऑफ जीडीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी लगातार फिसलता जा रहा है, जहां बढ़ना चाहिए वहां कम हो रहा है, यानी स्टाइपेंड के लिए भी हंगर स्ट्राइक करना पड़ेगा और फीस इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर आपका जन्म रईस खानदान में नहीं हुआ है तो ज्यादा सपने देखिएगा मत, एजुकेशन और हायर एजुकेशन भी बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल है, इंटरेस्ट नहीं होता तो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने स्टूडेंट यूनियंस को फंड थोड़े ना कराते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को टेक्स्ट बुक को चेंज थोड़े ना कराते। देखिए हायर एजुकेशन क्या, प्राइमरी भी, टेक्स्ट बुक, सरकार को बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, मुगलों से लेकर वीर सावरकर की चिड़िया की सवारी तक सरकार एजुकेशन में इंटरेस्ट ले रही है, और यहां तक भी कह रही है कि देखिए संस्कृत को कंपलसरी करना चाहिए हायर एजुकेशन में, उससे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये दूसरी बात है, और वो भी अलग बात है कि इससे आपका कोई भला हो रहा है इस इंटरेस्ट इन एजुकेशन से। एलीट सरकारी यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन भी ना होलिस्टिक है ना तो अप टू डेट है।
अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से 42.3% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही है। इसीलिए तो कुछ मां बाप साल का 12 लाख रुपए देकर बच्चों को एलीट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं ताकि उनको बढ़िया इंटरनेशनल लेवल एलीट एजुकेशन मिल सके जिससे शायद उनको कोई नौकरी के अवसर मिले। मगर अब इस वाला मॉडल में भी सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा उड़ाकर पार्टी कर सकते हो लेकिन अगर तीखे सवाल पूछोगे एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर अगर आप ऐसे सर्वे करोगे सरकार के खिलाफ अनकंफर्टेबल डेटा निकालोगे तो तुम्हारी पुंगी बजा देंगे, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुआ। और डिग्री महंगी हो या सस्ती, कॉलेज टॉप का हो या फर्जी, ग्रेजुएशन के बाद हालत आपकी सेम टू सेम ही रहेगी। ये जॉब मार्केट आपको जिंदा चबा जाएगा। कर तो लिया आपने मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ग्लोबल साउथ, पर अकाउंट शीट टैली करने वाली जॉब के लिए भी आपकी वेटलिस्ट नंबर 5 पर ही अटकी हुई है। ऐसा है क्यों? नौकरियां गई कहां? अब ये प्राइम टाइम वाले एंकर्स तो इसका जवाब आपको दे नहीं पाएंगे, तो जवाब तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस के नाम पर प्राइवेटाइजेशन तो बड़े जोर शोर से अभी चल रहा है, फैमिली सिल्वर को बेचा जा रहा है, तो सरकारी नौकरियों को भी बाय बाय किया जा रहा है। जो नौकरियां थी भी उनमें भी भारी हद तक उन्हें रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। एज ऑफ 2022 10 लाख पोस्ट तो खाली है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही। अब ये कब भरेंगी है? कौन सा नया पोस्ट कब निकलेगा? इसी उम्मीद में लोग एग्जाम की तैयारी करते रहते और बुढ़ा जाते हैं। हमारी मार्केट फ्रेंडली कैपिटलिस्ट लिबरल मॉडल के बावजूद प्राइवेट सेक्टर भी डूब ही रही है। वो मेक इन इंडिया हो नहीं रहा है, वो हर दिन नया कारखाना बन नहीं रहा है। 4 राउंड इंटरव्यू और 2 टेस्ट के बाद भी जॉब जिसकी लगती है वो उसी की है जिसका मामा कंपनी में मैनेजर है, जिसको ब्राइब फॉर जॉब की प्रोडक्टिविटी हैक मालूम हो। वैसे में भी रिक्रूटमेंट का जो सीन है ना वो डगमगा रहा है। ग्लोबल लेऑफ्स तो आईटी फील्ड में हो ही रही हैं, समझ रहे हैं ना आप? डर का माहौल है, असली डर का माहौल यही है। क्या है ये रूथलेस, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है अच्छे अच्छों की बाट लगा देती है। हाँ, सीईओ की तनख्वाह कम नहीं होती है। मेहनत से पढ़कर, घर के जेवर बेचकर, फीस भरकर, घिसपिट कर जिसे डिग्री मिल भी जाती है वो इंप्लॉयबल नहीं बनता है। इतना इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको दिखती हैं। 90% इंडियंस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इस सेक्टर की हालत हमेशा से ही खराब थी मगर अब ये बद से बदतर हो रही है। गिग इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी ले लीजिए, लैक ऑफ सेफ्टी नेट ले लीजिए, जो यूनियन लेबर लॉज और वेलफेयर बोर्ड्स कुछ हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं या उन्हें गायब कर दिया जा रहा है एफिशिएंसी के नाम पर। अगर ये डोमेस्टिक सिचुएशन है तो इसमें एक एजुकेटेड बेरोजगार एक ही सपना देख सकता है, वीजा का। बाहर जाकर कम से कम दिहाड़ी कमाएगा, इंडिया की रोज की ये जिल्लत तो उसे नहीं झेलनी पड़ेगी। पर बाहर हालत वैसी ही टाइट बन रही है। हां, सिर्फ रईस बच्चे ही मास्टर्स की फीस अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि हमारी रुपी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे हर दिन स्लाइड कर रही है। फीस, रेंट, ग्रोसरी के बाद भारत के अमीर बच्चों की भी बजट ना एकदम कम पड़ रही है, टाइट पड़ रही है। स्टारबक्स की एक कॉफी भी खरीदने की हालत नहीं रहती उनके पास। पढ़ाई के साथ साथ 8-10 घंटे मिनिमम वेज पर आप काम करते हो, महीना फिर गुजारा निकालने की कोशिश करते हो। याद रखिए, ये जो डेवलप्ड देश हमारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, ये जो पलायन हो रहा है वहां स्टडीज के नाम पर, ये हमें वहां बुला रहे हैं मालिक बनाने के लिए नहीं। वहां जाकर हमें मिनिमम वेज पर काम करना पड़ता है, खर्चे निकालने पड़ते हैं ताकि मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाए। लेकिन मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी अवसर कम है, ये चीज अब लोगों को वहां समझ में आ रही है कि वो विदेश पर भी जाकर लो इनकम जॉब्स में फंसकर एक पॉवर्टी ट्रैप में ही फंसे रहते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती है। ऊपर से इस अमेरिकन ड्रीम के भी दिन थोड़े से गिनती के ही लगते हैं। ग्लोबल लेऑफ्स और रिसेशन की वजह से यूएस, कनाडा जैसे देशों में भी रिक्रूटमेंट अभी स्लोडाउन ही चल रहा है, सैलरीज भी कम ही है, डॉलर ड्रीम्स हाथ से फिसल ही रहा है। लेकिन ऐसे में भी हार मानकर कोई वापस नहीं आना चाहता है, वहीं जाकर एक्सप्लॉइटेड सिस्टम में एक्सप्लॉइटेड क्लास बनकर ही हम रहते हैं,
ठेकेदार नहीं। चलिए शायद यूएस में वीजा भी मिल जाए, लेकिन वहां जॉब मार्केट काफी टाइट तो हो ही चुकी है कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन के चलते। क्या हो सकता है आने वाले टाइम पर वहां भी सिचुएशन और खराब हो जाए। यूके में सुनक भैया ने ऑलरेडी कह दिया है कि करंट लेवल्स ऑफ इमिग्रेशन आर टू हाई। यूके होम सेक्रेटरी आरोप लगाती है कि इंडियंस आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु ओवरस्टे देयर वीजाज। भाई क्यों भाई, अमृतकाल में वापस क्यों नहीं आ रहे लोग? ऑस्ट्रेलिया का रेसिज्म और ज़ेनोफोबिया आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वैसे ये यूके, कनाडा, यूएस में भी अब इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहा है। ये हालत है हमारे देश के डिग्री होल्डर्स की, ये है लीगल इमिग्रेंट्स की हालत। हमारी एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को और बढ़ा रही है, और ये हालत है आपकी और आप जैसे लाखों और नौजवानों की जो इस देश का सबसे बड़ा एसेट है। होना तो ये था कि आज के डेमोग्राफिक डिविडेंड का, पॉपुलेशन बूम का सरकार को इस्तेमाल करना था, इंडिया को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, क्रिएटिव हब बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब खतरा है कर हमें भटकाया जा रहा है, लेकिन खतरा तो अल्टीमेटली आपको और हमको ही है, खतरा हमारे फ्यूचर को है। देखिए ये प्रॉब्लम है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट का और क्विट इंडिया का और बाहर जाने का सोल्यूशन भी मुश्किल है, लेकिन 90% सोल्यूशन तो बेसिक स्टेप से ही निकलेगा। प्राइमरी और हायर एजुकेशन में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, R&D पर आपको फोकस करना पड़ेगा, करिकुलम को आपको अपडेट करना पड़ेगा और एजुकेशन को आपको होलिस्टिक बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ हम नहीं, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रेकमेंडेशन तो यही करती है, इंप्लीमेंटेशन कितना होता है आप भी जानते हैं। सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा और कंड्यूसिव इकोनॉमिक सिस्टम बनाएं जहां पे नौकरियां बढ़ें। पर जब तक सरकार सिलेबस में प्राणायाम इंक्लूड करना चाहता है, संस्कृत इंक्लूड करना चाहता है, कॉलेज में प्रोफेसर्स की नौकरी खाना चाहता है कि जो दो शब्द बोल दें, सरकार की आलोचना कर दे, तब तक इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है उनकी तकदीर का कुछ नहीं होने वाला है। तो वो PhD करके पीओन की नौकरी के लिए ही अप्लाई करेंगे या फिर किसी एम्बेसी के बाहर लाइन लगा के खड़े रहेंगे वीजा के लिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त पर मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि जो सिस्टम का एजुकेशन है उससे थोड़ा कम ही एक्सपेक्ट करिए और अपने आप को अपस्किल करते रहिए। अपने आप को अपस्किल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो है फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इंग्लिश में अपने आप को जरूर इक्विप करिए। कैम्बली इसके लिए एक बहुत बेहतरीन टूल है आपके लिए। नीचे मैंने कैम्बली का लिंक भी दिया हुआ है और आप इसको ट्रायल में इस्तेमाल कर सकते हैं विद ओनली अ 44 रुपी ट्रायल, और उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है कैम्बली का, उसको इस्तेमाल करिए। Best of luck for your upskilling.